तो आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी में कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे के बारे में। जैसे कि आपको पहले ही पता है, भवन से भैरव घाटी के बीच रोपवे लगातार चल रहा है, उसी के श्रृंखला में अब कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार कटरा से अर्धकुंवारी के बीच 1281.20 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई अधिकतम 590.75 मीटर तक होगा। इसके जरिए प्रति घंटे एक तरफ 1500 यात्रियों को ले जाना संभव होगा और कैबिन कैपेसिटी 8 यात्रियों की होगी। इसके निर्माण पर करीब 94.23 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। राइट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार यदि प्रति यात्री आने जाने का शुल्क 200 रुपए रखा जाता है तो 63% संचालन लागत वसूल हो सकती है। बोर्ड सदस्य शर्मा ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर आगे का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि नई सुविधाओं से सुनिश्चित किया जाएगा कि दुनिया भर से तीर्थयात्रियों की आध्यात्मिक सुविधाओं तक पहुंच हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा तीर्थयात्रियों के बीच संबंध और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर भक्तों के लिए स्काई वॉक, नए दुर्गा भवन और आध्यात्मिक थीम पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सिन्हा ने कहा है कि पवित्र मंदिर में भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि कटरा से अर्धकुंवारी तक यह रोपवे जल्द काम में आए और यात्रियों को इसकी सुविधा मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन।